भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, फिर हमारे देश को ऐसी नजर लग गई, पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने देश को लूट कर खोखला कर दिया। समय आया भारत की आजादी का, फिर देश में चला एक छत्र राज, वो भी कांग्रेस का। लेकिन वो क्या है ना कि समय कभी किसी का सगा नहीं हुआ। फिर देश में पूर्ण बहुमत से आया राम राज्य का समय, यानी भगवा दल का समय, जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया, जिसके बाद कांग्रेस जैसी पार्टी भगवा दल के सामने खड़ी होने लायक नहीं रह गई। फिर कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछाने के लिए, पूरे देश को एक संदेश देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस को नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों दिल्ली में है, और इस दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला उठाया है। हालांकि अब हकीकत सामने आने के बाद कांग्रेस खुद गिर गई है। राहुल गांधी की पोल खुली तो बीजेपी ने तगड़ा पलटवार कर कांग्रेस और राहुल को निशाने पर लिया है। दरअसल राहुल की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कड़ी सुरक्षा करने की मांग की थी। इसके बाद अब खुद सीआरपीएफ ने जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 113 बार अपनी सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर चुके हैं, और अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद सरकारी अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, जबकि उन्होंने स्वयं कई मौकों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक की शिकायत करने के बाद एक दिन बाद सरकारी अधिकारियों ने यह बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर राहुल गांधी ने स्वयं निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और इस बात से उन्हें समय समय पर अवगत भी कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा 2020 से सुरक्षा दिशा निर्देशों का 113 बार उल्लंघन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के दौरान गांधी ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराती है, इस मामले को अलग से ही उठाएगी। वहीं अब कांग्रेस के इस आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, राहुल सुर्खियों में रहने के लिए बचकानी हरकतें करते हैं, उन्होंने खुद 113 बार सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ा है। आपको बता दें, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार को लिखे एक पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा की चूक होने का दावा करते हुए यात्रा में हिस्सा लेने वाले गांधी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी, लेकिन सीआरपीएफ ने कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेरते हुए पार्टी की ओछी राजनीति को एक्सपोज कर दिया। जिस तरह से सीआरपीएफ का बयान सामने आया, उससे खुद राहुल गांधी कटघरे में आ गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।